वजीर खजाना वो सहर टी हरीश राव नारायण खेड़ का दौरा करके मुस्तकिर नारायण खेड़ के रहमान फंक्शन हॉल में बीआरएस पार्टी हल्के असेंबली नारायण खेड़ की जानिब से दशहरा त्यौहार के तहत अलाई बलाई प्रोग्राम में शिरकत करके पार्टी कायदीन कारकुनों को दशहरा त्यौहार की पुरखलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मुनक्कद करदा जलसे से मुखातिब करते हुए कहा कि 30 अक्टूबर को चीफ मिनिस्टर वो बीआरएस पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव 2 बजे दिन नारायण खेड़ का दौरा करके जलसे आम से खिताब करेंगे। बीआरएस पार्टी कायदीन कारकुनों से अपील की कि हजारों की तादाद में शिरकत करके जलसे आम को कामयाब बनाएं। हल्के असेंबली नारायण खेड़ को बीआरएस पार्टी बरसर इख्तदार आने के बाद तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया। असेंबली इंतखाबात में बीआरएस पार्टी हल्के असेंबली नारायण खेड़ के उम्मीदवार रुकन असेंबली नारायण खेड़ एम भोपाल रेड्डी की कार के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस जलसे से जिला परिषद चेयरमैन जिला संगारेड्डी मंजू श्री जयपाल रेड्डी रुकन असेंबली नारायण खेड़ एम भोपाल रेड्डी ने खिताब किया। इस मौके पर उनके हमरा बीआरएस पार्टी रियासती माइनॉरिटी कायद एम ए मोहित खान बल्दिया नारायण खेड़ चेयरमैन रूबीना बेगम नजीब नारायण चेयरमैन परशुराम ZPTC लक्ष्मी बाई रविंदर नायक काउंसलर एम ए मजीद साबिक MPTC सैयद मुजम्मिल बीआरएस कायदीन मोहम्मद गौस चिश्ती मोहम्मद सलाम सैयद लतीफ व हाशम अली गीता रेड्डी के अलावा हल्के असेंबली नारायण खेड़ के बीआरएस पार्टी कायदीन कारकुनों कसीर तदाद ने शिरकत की। అందువల్ల ఈ సభను బాగా సక్సెస్ చేయాలని చెప్పి నేను అందరికీ